तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको लगातार क्लैश स्क्वाड रैंक की वीडियो देखने को मिलती रहेगी, तो ये है उसकी एक न्यू वीडियो। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको देखने में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम प्ले भी अपना गया है। तो अभी देखते हैं कि कैसा क्या होने वाला है। अभी फर्स्ट वाला राउंड चल रहा है मेरे पास कटाना, आपको पता होगा मैं पिस्टल वगैरह परचेस नहीं कर सकता। जैसे कि मैं सेकंड राउंड में पावरफुल गन परचेस कर पाऊँ अगर मैं राउंड को हार जाता हूँ फिर भी, और मैक्सिमम चांस में मैं हार ही जाता हूँ फर्स्ट वाला राउंड। बहुत कम, मतलब आप बोल सकते हो 10 में से 2 बार निकलता होगा जब मैं जीतता हूँ, 8 बार में हार ही जाता हूँ फर्स्ट वाला राउंड। बट सेकंड राउंड से आपका भाई बहुत तगड़ा वाला कमबैक करता है, मुझे पता है थोड़ा सा गलत भी है। बट अगर यार देखो मैं पिस्टल ले लेता हूँ और अगर फिर भी मैं फर्स्ट वाला राउंड हार जाता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम चांस हो जाते हैं हारने के, बट फिर भी अगर मैं फर्स्ट वाला राउंड हार जाता हूँ तो सेकंड वाले राउंड के लिए अपने पास अच्छी खासी गन परचेस करने के पैसे नहीं होते हैं। ये फेंकूंगा मैं इनके ऊपर। यार देखो इस बार मैंने सायथा ले लिया, तो हो सकता है वैसे सायथा से होगा क्या यार, क्लोज रेंज है ना सायथा। तो अब देखो अगर सायथा को अपना कमाल दिखाना है तो मुझे क्लोज रेंज में जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और क्लोज रेंज में जाना यार मुश्किल भी है क्योंकि बंदे यार दूर से ही मुझे मारेंगे, उनके पास पिस्टल वगैरह होगी। देखो यही पर ज़रूरत पड़ जाती है पिस्टल की, बट अगर मैं पिस्टल परचेस कर लेता तो वही बात हो जाती कि उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले राउंड में अगर मैं ये वाला राउंड हार जाता तो मैं गया भाई, मैं गया। मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा जा रही है अभी, और बंदा वहाँ से एमओ भी मार रहा है मुझे, बुलेट्स मार रहा है। तो लग जा भाई, एक तो लग जा, इसको 100 का लगेगा अगर लगा तो, क्योंकि इनके पास वेस्ट हेलमेट तो है नहीं। लग जा भाई, एक भी नहीं लग रहा। लगा लगा, ये तो गया भाई, ये तो गया। शिट भाई, ये पीछे से आ गया और मेरे सारे पेयर खत्म हो चुके थे भाई। अभी तो मुझे लग रहा था कि हम जीत रहे हैं, मैंने एक बंदे को मार दिया था और हमारे पूरे 2-3 बंदे जिंदा थे, सारे को एक बंदे ने उसने लपेट दिया। यार काफ़ी था ख़राब किस्मत है अभी तो, सही बताऊँ तो, क्योंकि यार मुझे लग रहा था कि हम गेम जीत रहे हैं और एकदम से भाई क्या हो गया कि मैं अकेले ही बचा था। बट इस बार पक्का जीतने वाले, मैक्स 7 आपके भाई के पास आ चुकी है और इसीलिए मैं फर्स्ट वाले राउंड में कुछ भी परचेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे कि मेरे पास सेकंड राउंड के लिए अच्छा खासा अमाउंट हो, पैसे हो, जिससे कि मैं कोई अच्छी गन परचेस कर पाऊँ, तो वो मैंने कर ली। और अभी इनको बताते हैं भाई, अभी ये सोचेंगे कि मेरे पास अच्छी गन होगी नहीं क्योंकि मैं फर्स्ट वाला राउंड हारा हूँ, बट इनको नहीं पता कि मेरे पास है। अब ये गए, एक तो गया, इसको पूरा लुड़काऊंगा मैं भाई। रिवाइव की उम्मीद ही नहीं छोड़ूंगा ना, रिवाइव मिला तो मुझे पता है गेम गया। ये भी गया भाई, मेरे सामने से जा रहा है और उसको लगा मैं उसका बनता हूँ। ठीक है, तू तो गया बेटे, तू आखिरी बंदा बचा है। रुको पहले एक मेडी लगा लेते हैं भाई, जल्दबाजी में मतलब जोश में होश नहीं खोना है अपने को, हेल्थ कम है तो मेडी लगाना ज़रूरी है। अब इसको बताते हैं भाई कहाँ है ये बंदा, भाई दिख ही नहीं रहा है। ये तो मुझे लगता है कि यहीं कहीं पे होगा या फिर ऊपर होगा क्या, ऊपर की तरफ। ये रहा, ट्रिपल किल आपके भाई ने मार दिए ये वाले इस वाले राउंड के अंदर। और अब तो अपन लगातार जीतने वाले क्योंकि मेरे पास मैक्स 7 आ गई। हाँ कोई बार हो सकता है कि हम हार जाए अगर अपने टीम में सपोर्ट ना करें। अब इस बार 3 बंदे को मार दिया, बट जरूरी नहीं कि मैं हर बार 3 बंदों को मार दूंगा, तो इसलिए यार टीम मेट्स का भी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अगर देखो सारे के सारे टीम मेट मर जाते हैं ना, तो फिर अपने अकेले के ऊपर गेम आ जाता है और फिर वो चारों बंदे एक साथ रस मारने की कोशिश करते हैं। बट अगर अपने टीम मेट जिंदा होते हैं ना, तो वो भी भाई एक साथ रस नहीं मार सकते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी देखने वाली होगी। क्योंकि अगर वो एक साथ रस मारेंगे तो मेरे भी टीममेट्स हैं, वो भी यार मतलब अपने को कवर वगैरह तो देंगे, पर यार अगर टीममेट्स नहीं होते ना तो कवर भी नहीं मिल पाती है। एक बंदे को तो मैंने बम से लुड़का दिया है, अच्छा खासा उसको डैमेज लग गया, उसको रिवाइव ना मिल जाए इसलिए मैं पूरा फिनिश करूँगा उसको। भाई किल मुझे मिल गया, चलो एक को तो मैंने लपेट दिया है, अभी सेकेंड वाले बंदे को आने दो। वो शायद ऊपर चढ़े हुए हैं क्या ये बंदे। अरे भाई साहब किल तो गया मेरे हाथ से, बट मेरी जान बच गई यार, कितनी ज़्यादा हेल्थ मेरी चली गई। अबे एक सेकंड के लिए देखो भाई, हेल्थ कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है, मेरे को पूरी 2 मेडी लगानी पड़ेगी तब जाके कुछ बात बनेगी। और अभी भी सामने की तरफ 2 प्लेयर जिंदा हैं। अब देखो ये वाला राउंड तो हम जीत रहे हैं, MP5 से मैं मारूंगा, मुझे लग रहा है इस घर के ऊपर ही बंदा है। हो रहा भाई, मरा नहीं यार वो, रस मार देता हूँ, क्या पता मर जाए, क्योंकि यार देखो उसको डैमेज तो अच्छा खासा लगा है, बस थोड़ी 1-2 गोली में। ये गया और एक इधर है, नॉक हुआ भाई, क्या बात हो गई भाई, प्लेयर नॉक क्यों हुए थे यार, इनको तो पूरा डायरेक्ट फिनिश हो जाना चाहिए था ना, आपने देखा ना प्लेयर नॉक हुए थे। आई डोंट नो भाई ऐसा क्यों हुआ था यार। देखो वैसे तो मुझे लग नहीं रहा था कि दिमित्री चालू है, हो सकता है किसी और सेकंड वाले बंदे के पास होगा, क्योंकि जो मेरे सामने नॉक पड़ा था ना उसके बाद तो दिमित्री नहीं था, बट फिर भी वो नॉक था, उसको तो मर जाना चाहिए डायरेक्ट। तो हो सकता है जो बगल में बंदा था ना उसके बाद दिमित्री होगा, उसने चला लिया होगा। बट जो भी बात हो, सेकंड वाला राउंड भी आपका भाई का हो चुका है, अभी बारी है थर्ड वाले राउंड की उनके। अरे वैसे देखो गेम के अकॉर्डिंग ना ये वाला राउंड चल रहा है 4th वाला। रुको भाई, वहाँ पे बंदा है ना, मैं सोच रहा हूँ ग्रेनेड टॉस करता हूँ उसको। ओ भाई उसने भी फेंका है, ये गया, कितना डैमेज लगेगा एक बार चेक करते हैं। 55, और ये कितना लगा, कुछ लगा, 5-5 का लग रहा है, वो भागेगा, आधा आधा ना भाई मुझे, मर जा। ऑल राइट, एक बंदे को तो एक और यहाँ पे आ चुका है, अभी अभी तो आया था भाई, कहाँ चला गया ये रहा। ओ भाई इसको फुल डैमेज है भाई, ये समझ लो बस 1-2 गोली और लगेगी और इसका काम गया भाई, ख़त्म ख़त्म है ये। चलो ठीक है, इसको पूरा फिनिश करते हैं, कर दो अभी। 2 वर्सेस 2 हो चुका है कारोबार, मतलब लग तो रहा है कि मैं ही जीतूंगा,
सामने वालों के चांस मुझे काफी ज्यादा कम लग रहे हैं, क्योंकि आपका भाई है तो यार टीम में, मैं अकेला इन दोनों पे भार हूँ, बस एक एक करके आ जाए। ये तो भैया अब जो बोला था वही हो गया भाई, मैं अकेले ही दो पे भारी, मुझे पढ़ना पड़ेगा अगर डीएम जीतना है तो। एक तो मैंने मार दिया, मैं छुपता हूँ भाई, देखो मेरी हेल्थ वगैरह तो सब कुछ है, गन को रिलोड करना जरूरी है, मैंने रिलोड वगैरह कर रही है। आजा 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 आजा, खत्म भाई, तू तो गया हो खत्म भाई। आगे भाई ने एस मार दिया यार, इसकी ऐसी की तैसी कर दी है। ग्रोजा एक्स को मैंने यहाँ पे उठा लिया है और मुझे मैक 7 परचेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मैक 7 की जगह ग्रोजा को उठा लिया और MP5 में चलाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैक 7 मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलती है, तो MP5 को छोड़ दिया है और मैक 7 को ले लिया है। और ग्रोजा तो मेरे पास ऑलरेडी है, अब चलते हैं देखते हैं क्या होता है। देखो इस बार मेरे पास गन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, अब मेरे पास यार पूरी चीज़ें, मतलब जितनी इक्विपमेंट्स अपने पास होने चाहिए ना एक मतलब फ़ाइट को लड़ने के लिए, एक राउंड को जीतने के लिए, वो सब चीज़ें हैं मेरे पास, तो अब सिर्फ स्किल्स मैटर करती है, क्योंकि यार चीज़ें तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी। देखो ग्रोजा एक्स उनके पास नहीं होगी, मैक 7 तो हवाले से होगी बट ग्रोजा एक्स तो उनके पास नहीं होने वाली है, तो हाँ यार अगर हम हार जाते तो यार वो अपनी मतलब स्किल्स ख़राब है इसका मतलब, वरना तो जीतना चाहिए। ये तो गया, चल रहा था, एक को लपेट दिया है, अभी सिर्फ यहाँ पर 3 बंदे और बच्चे और अपना भी एक प्लेयर डाउन है, तो रिवाइव कर देते हैं। चलो ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक रिवाइव हो गया भाई, दिमित्री बंदे ने चालू कर लिया था, अब मेरे पास तो दिमित्री है नहीं बट उनके पास ही होगा, उन्होंने चालू कर लिया होगा, अपने को बस कवर देना था, मैं उनके साथ में खड़ा था और वो ऑटोमेटिक रिवाइव हो गए। यार मुझे लग रहा है नहीं पिंग तो सही चल रहा है, मुझे लगा भाई एकदम से कि पिंग तो नहीं हाई चल रहा है अपना। अब बंदे हैं कहाँ यार, देखो अभी 2 बंदे सिर्फ बचे हैं, 3 थे मतलब एक मारा जा चुका है, अभी सिर्फ 2 बंदे बचे हैं और वो दिख नहीं रहे हैं, वो वाला घर के ऊपर है शायद एल शेप के ऊपर, हाँ वहीं पर हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया तुम कहाँ पर हो, अब मैं जाऊंगा इधर से और यहाँ से मैं सोच रहा हूँ ग्रेनेड फेंकता हूँ यहाँ पे छुप के, क्योंकि दे दे बेटे तू डैमेज दे, तुझे पता चलेगा तूने डैमेज किसको दिया अभी। ये देख ये गया, डैमेज लगाया उसको और अब ख़त्म, एक बंदा नॉक हो गया भाई, इससे भी 62 का डैमेज लगा और मेन ग्रेनेड से भी 55 का लगा था, मतलब डैमेज कम लग रहा है ना, मतलब ऐसे देखो तो यार ये फ्लेश से ही ज़्यादा डैमेज लग गया ग्रेनेड से ज़्यादा। तो चलो ठीक है, एक फाइनल बंदा और बचा, इसको नीचे कूदने दो फिर बताते हैं भाई, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं भाई, इंतजार का फल अच्छा होता है। ये देखो खत्म, सो इसी के साथ आपके भाई का हो चुका है भैया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम गया। अब देखने वाली बात है कि मेरे किल वगैरह कितने हुए हैं, तो पूरे को चेक कर लेते हैं कितने मैं हेरोइक पे पहुंच गया हूं। ठीक है ये रहा मेरा नाम, जल्दी दिखा दे भाई, 13 किल भाई, 4404 का डैमेज और 35 हीरोइक पे मैं पहुंच चुका हूँ, 13 किल मारे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम गया और अपने फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया, थोड़ा कम किया बट जो भी बात है अगर वो ज़्यादा सपोर्ट करते तो मैं इतने किल नहीं कर पाता। तो वीडियो में हम ज़्यादा वीडियो कर देना लाइक, शेयर को लेना सब्सक्राइब, साढ़े वाले बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी और मैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।